हेलो एवरीवन, माय सेल्फ फ्रॉम हार्डवेयर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न वाले 31 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, आयत। तो आज हम ये सीखने वाले हैं फ्रेंड्स कि आयत किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसके ऊपर जितना भी टाइप का मैथ है, बस शायद छः से आठ टाइप का मैथ है, वो मैं आपको सिखा दूंगा फटाफट। आपको बस मेरे साथ बने रहना है। इसका जो भी फॉर्मूला था मैंने आपको कल सिखा दिया था, तो आज इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर आज मैथ सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। पहला क्या है कि आयत की परिमिति निकाले जबकि लंबाई और चौड़ाई का मान देखिए दिया हुआ है। तो बताइए आयत, अच्छा सॉल्यूशन है। इतना मैं फास्ट चलता हूँ कि ना मेरा मुंह ठीक से बोल पाता है ना हाथ ठीक से चल पाता है। आयत की परिमिति बराबर, आयत का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, दो गुना लंबाई जो चौड़ाई ना होता है। मैंने सिखाया था कहाँ से आएगा ये, क्योंकि दो बार लंबाई है दो बार चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयत की परिमिति क्या होता है, दो गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है। दो गुना हो गया लंबाई कितना है 12 मीटर है, चौड़ाई कितना है 8 मीटर है, बस जोड़ दीजिए कितना आ गया। तो दो गुना हो गया 20, यानी कि 40 मीटर आपका यहाँ से निकल के आ गया आयत की परिमिति। देखिए यहाँ भी सेम बोला गया कि परिमिति ज्ञात करें, जबकि यहाँ पे लंबाई देखे दिया हुआ है चौड़ाई देखे दिया हुआ है। तो आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, ये आयत की परिमिति बराबर, बस खाली को फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो काम हो जाएगा। आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, यानी कि दो गुना लंबाई हो गई 56, चौड़ाई हो गई 24, जोड़िए कितना आ गया ये, 6 4 हो गया 10, 5 2 7 एक हो गया 8, यानी कि 80 दुनिया हो गया 160, इतना मीटर हो गया आपका आंसर। जो कि क्या दिया हुआ, परिमिति देखे दिया हुआ, आया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का वैल्यू देखिए वही रहने देते, क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो फर्क पड़ता है नहीं। क्षेत्रफल ज्ञात करें, यहाँ भी चेंज करते हैं, यहाँ पे मान कर देते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है ये। तो अगर आपसे बोलेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो अब आप हमको ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है फ्रेंड्स, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बस अगर आपसे बोला जाएगा परिमिति निकालने, तो क्या करेंगे, दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई करेंगे। और अगर आपसे बोला जाएगा क्षेत्रफल निकालने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई करना है। लंबाई दिया गया 12, चौड़ाई दिया गया 8, यानी 12 6 96। एक चीज और, क्षेत्रफल में हमेशा जो यूनिट आप लिखेंगे ना, उस पर थोड़ा सा स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि आपने क्षेत्रफल निकाला, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ये, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, बस गुना कर देना, 56 गुना हो गया 24, कितना आएगा, तो 24 6 144 बचा आते हैं 14, 24 5 हो गया 120, 120 14 हो गया 134, यानी कि 1344 मीटर स्क्वायर। बस कल आपको ये ध्यान में रखना, क्षेत्रफल बोलेगा तो गुना कर देना है लंबाई गुना चौड़ाई, और परिसीमा बोलेगा या परिमिति बोलेगा तो क्या करना है, दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई करना है। अब बढ़ते हैं इसका जो अगला टाइप है ना फ्रेंड्स, उसके तरफ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है कि आयत की लंबाई निकाले जबकि परिमिति का मान दिया गया है और चौड़ाई का मान दिया गया है। इस केस में आपको देखिए करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है, वो मैं लेकर नहीं चलूँगा, प्रश्नानुसार हेन अनुसार वो अनुसार, राइट, डायरेक्ट तरीका। लंबाई देखे निकालने बोला गया है, दिया गया है परिमिति, और चौड़ाई देखे दिया गया है। तो इस केस में आपको अगर निकालना है आयत की लंबाई, अगर परिमिति दिया हुआ है, तो उस केस में आपका आयत की लंबाई का देखिए फॉर्मूला होता है क्या, आयत की लंबाई का फॉर्मूला होता है परिसीमा, मतलब कि परिमिति, परिमिति बटा क्या करना है, आपको दो करना है, परिमिति का आधा करके उसमें चौड़ाई को घटा देना है। बस अगर बोलेगा लंबाई निकालने, तो क्या करेंगे, परिमिति को आधा करके चौड़ाई घटा देंगे, और अगर बोलेगा आपको चौड़ाई निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, परिमिति का आधा करके लंबाई घटा देना है। तो परिमिति कितना देखे दिया हुआ, 120 दिया हुआ है, बटा में करना है दो, घटाएंगे यहाँ पे 40, काटिए आ गया 60, तो 60 में से घटाएंगे 40, तो कितना बचेगा आपका 20 मीटर, तो ये हो गया आपका क्या, लंबाई निकल गया। सेम देखिए यहाँ पे भी करना है, तो आयत की लंबाई बराबर,
आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परिमिति बटा हो गया दो माइनस हो गया चौड़ाई। परिमिति कितना देखे दिया हुआ है 630, इसका करना है आधा, चौड़ाई को घटा देना 110, कितना देखिए निकल के आएगा, ये दो से काटते हैं, दो तीन छः हो गया, 15 दो 30 हो गया, यानी कि 315 माइनस 110 घटाइए कितना आएगा, ये 205 आ जाएगा, यानी इतना मीटर जो है आपका लंबाई निकल गया, कितना आसान है ना। अब देखिए इसके बाद जो मैं देखिए दिया हुआ चार नंबर वाले टाइप में, इसमें क्या है हल्का सा चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें आपको बोला जाएगा निकालने के लिए चौड़ाई, चौड़ाई निकालिए, यदि आपका आयत की परिसीमा दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाएगा चौड़ाई निकालिए, अगर आपका आयत की परिसीमा दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, तो सेम वही चीज़ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने वाले, सेम वही चीज़ है, बस क्या करना है चौड़ाई निकालने बोलेगा। तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या करेंगे, परिसीमा का आधा करना है प्लस सॉरी माइनस लंबाई कर देना है। आपको चौड़ाई निकालना है यहाँ से, तो क्या करेंगे आप, परिसीमा का आधा करना है और उसमें से लंबाई को घटा देना है, बस हो गया, बाकी सब कुछ तो सेम वैसे ही चल रहा है ना, कितना आसान है, सब कुछ देखिए वैसा ही चल रहा है, बस अंतर यहाँ पे ध्यान देना है, चौड़ाई बोलेगा तो यहाँ लंबाई करना है परिसीमा को आधा करने के बाद, और लंबाई बोलेगा तो वो चौड़ाई कर देना वहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसका जो आपका विकर्ण, अच्छा एक चीज़ और, क्षेत्रफल वाला केस थोड़ा वहाँ भी सीख लेते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये भी सेम है, बस आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, लंबाई गुना चौड़ाई यही ना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर आपसे बोला जाए लंबाई निकालने के लिए ये वाला मान, तो क्या करेंगे, इसको तो हटाना पड़ेगा, यहाँ देखिए गुना के टर्म में है तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा, तो आपको लगाना क्या है फॉर्मूला में, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई कर देना है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आपका देखिए चौड़ाई, अगर आपका देखिए लंबाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया गया है, तो आपको निकालने वाला चौड़ाई, तो क्या करना है आपको, क्षेत्रफल को लंबाई से बस भाग कर देना है, हो गया, कितना आसान है, देखिए ध्यान से करते हैं। आयत की लंबाई ज्ञात करें जबकि क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, चौड़ाई का मान दिया गया है, तो इस केस में आयत की लंबाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है, ये ना होगा, क्षेत्रफल कितना हो गया 120 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 10 हो गया, काटिए 12 निकल के आ गया, तो बोल सकते हैं कि आयत की लंबाई कितना हो गया फ्रेंड्स, 12 मीटर हो गया। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करने बोला गया है, सेम वही तरीका है, आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल बटा में लंबाई, क्षेत्रफल कितना है 220 दिया हुआ है, लंबाई कितना 22 दिया हुआ, काटने पे कितना आ गया 10 आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर, कितना आसान है, लंबाई बोलेगा निकालना तो चौड़ाई करेंगे, चौड़ाई बोलेगा निकालना तो लंबाई करेंगे, बात खत्म। अब देखिए लास्ट का शायद दो टाइप और बचा हुआ, 7 और 8 नंबर, वो भी थोड़ा कर लेते फटाफट। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो तरीका समझाया था ना परिमिति वाला, परिमिति किसको बोलते हैं, कि अगर आप एक चक्कर लगा लेंगे साइड से, तो उसी को बोलते हैं परिमिति। देखिए सेम क्वेश्चन पूछ भी दिया, यहाँ पे क्या दिया है कि आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का मान दे दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए देखिए हमारा एक आयताकार मैदान है, खेत है, ठीक है ठाक है, इसका देखिए लंबाई दिया हुआ 80 मीटर, चौड़ाई दिया गया 65 मीटर। अब बोला है क्या कि इसके चारों ओर 3 चक्कर घेरने में कितना तार लगेगा, मतलब कि एक तार ले लिए हैं, उसको 3 चक्कर लगा रहे, एक बार ऐसे लगा, फिर एक बार ऐसे लगा, फिर एक बार और लगा, 3 बार लगा। तो जब हम लोग एक बार लगाते हैं तो क्या निकालते हैं, परिमिति निकालते हैं ना, तो 3 बार निकालेंगे तो 3 बार के लिए क्या करेंगे, हमको 3 बार निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि हमको परिमिति निकाल करके 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 चक्कर लगा रहा है,
अगर वहीं से आपको बोलता कि 10 चक्कर लगा तो क्या करते, परिमिति निकाल करके 10 चक्कर लगाते, 10 से गुना कर देते। और हाँ, हम लोग यहाँ पे परिमिति क्यों निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे ये घेर रहा है, और जब भी कोई घेरता है या फिर जब भी हम लोग काम बाउंड्री पे करते हैं कोई भी काम, तो उसमें हम लोग को परिमिति निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कीजिए यहाँ पे लिखते हैं कितना तार लेगा, तो लिखिए यहाँ पे कुल तार की लंबाई बराबर, डायरेक्ट करिए ना आराम से, क्या टेंशन है, उतना क्या कहानी लिखना जरूरी है। तो कुल तार की लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसका परिमिति कितना होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये ना होता है आयत की परिमिति बराबर 2 गुना चौड़ाई होता है। और यहाँ पर क्या है, 3 चक्कर लगा रहा है, यानी कि परिमिति निकालने के बाद इसको 3 से गुना कर देना है। बस लंबाई कितना हो गया 80, चौड़ाई हो गया 65, गुना हो गया 3, कीजिए गुना 2 गुना 5, 8 से 14 हो गया, गुना हो गया 3, कितने कितना तो आएगा, ये 290 आ जाएगा यहाँ पे, गुना 3 यानी 29 से 87, यानी कि 870 मीटर हो जाएगा आपका ये तार की लंबाई। आए समझ में, जब भी बोलेगा घेरने में कितना तार लगेगा तो क्या करना है, परिमिति निकाल करके जितना भी चक्कर आप लगा रहे हैं या फिर जितना भी बार आप घूम रहे हैं उतना से आपको गुना कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है, खेत की विकर्ण ज्ञात करें। खेत कौन सा आयताकार है, यानी कि आयताकार खेत का विकर्ण। तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में समझा दिया था फॉर्मूला कि आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला में, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये ना होता विकर्ण का मान, पुट कीजिए लंबाई, अच्छा यहीं से ना, लंबाई कितना है 40 देखिए दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर, चौड़ाई 9 दिया तो 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 9 का स्क्वायर होता है 81, जुड़ने पे आएगा 1681, और 1681 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है आपका 41 का, इतना हो गया आपका मीटर। ऐसा समझ में बहुत आसान है। ठीक है, विकर्ण निकालने बोलेगा तो आपको ऐसा ही करना है, दो टाइप और बचा हुआ वो भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है, आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, हमको आयत की चौड़ाई मानना पड़ेगा, है कि नहीं, जब बोला ही गया है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई का 3 गुना है, तो अगर हम मान लेते हैं कि चौड़ाई अगर 1 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये क्योंकि चौड़ाई का 3 गुना है तो चौड़ाई हो गया 1, यानी कि 3x मीटर हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्रश्नानुसार, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, परिमिति का मान दिया हुआ 80 मीटर और आपको निकालने बोला गया क्षेत्रफल, तो बताइए आप ही खुद बताइए, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या हमको पता है लंबाई का मान, क्या हमको पता है चौड़ाई का मान, नहीं पता है ना, बस एक हमको हिंट्स दिया हुआ कि परिमिति का मान दिया हुआ है और यहाँ पे समझा दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, आपको इस हिंट का मदद लेकर के क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ही बताइए कि परिमिति हम लोग कर सकते हैं, तो आयत का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत की परिमिति क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना होता है आयत की परिमिति बराबर। और ये परिमिति किसके बराबर है, 80 मीटर के बराबर है, क्योंकि 80 तो परिमिति है, ये भी परिमिति, ये भी परिमिति, दोनों बराबर है आपस में, वैल्यू पुट कीजिए, लंबाई 3x, चौड़ाई कितना है 1, बराबर हो गया 80। अब यहाँ पे करते हैं 2 गुना यानी कितना गया 4x, हो गया 80, आ गया 8x, हो गया 80। यहाँ से x का मान देखिए क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 80/8 यानी कि काटने पे आएगा 10, यानी x का मान कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। यहाँ से निकाल लेते हैं, इस हिसाब से जो आपको चौड़ाई है वो कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स, 10 मीटर, और जो लंबाई है वो कितना निकल जाएगा, 3 गुना है, यानी 3 गुना 10 यानी कितना आ गया ये 30 मीटर। अब देखिए लंबाई भी पता,
थोड़ा भी पता, तो क्या आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना 30, चौड़ाई कितना 10, कितना है ये 300 मीटर स्क्वायर। हो गया इसका आंसर, आए समझ में? एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। अरे हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और देखिए, हम थोड़ा स्लो बता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हमको स्लो करने का मन है। स्लो हम इसलिए बता रहे क्योंकि हम इतना फास्ट बोलते हैं ना कि हमको खुद पता नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा हम स्लो बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है कि विकर्ण निकालने आयत का जबकि लंबाई चौड़ाई का मान दिया गया है। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर यानी डायगोनल का मान क्या होता है? ये अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई होगी आपका 5 का स्क्वायर, चौड़ाई होगी आपका 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144, ये हो गया 169, और सब मिला के यहाँ पे हो गया 13 मीटर आपका विकर्ण का मान। आए समझ में? तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मैंने आज जो समझाया वहाँ से आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप वहाँ से सीखने के बाद 50 क्वेश्चन तक आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिएगा बल्कि आप ऑनलाइन देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके। आप लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, मेरा व्यू बढ़ता ही नहीं है तो मेरा नुकसान हो जाता है, वॉच टाइम मेरा बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो बस आपसे ये थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट था। और चलिए, अब कितना मैं आपसे बात करूं, अब मैं मिलूंगा कल, जब तक के लिए बाय बाय। कल सीखने वाले वृत्त के ऊपर, ठीक है, जब तक के लिए आप आराम कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। बाय बाय।